सो गैस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गैस आप व्हाट्सअप स्टेटस म्यूट किया है उसे कैसे करते हैं, और इसके अलावा ऐसे अनम्यूट कैसे करें। व्हाट्सअप पर हम किसी भी स्टेटस को म्यूट करते हैं उससे क्या होता है, क्या हमारे स्टेटस को कोई म्यूट करने के बाद भी देख सकता है, वो सारा डिटेल में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो गाइस वीडियो एंड तक देखिए, और अगर गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले आपको व्हाट्सअप पर स्टेटस म्यूट कैसे करते हैं क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले व्हाट्सअप पर जाते हो तो गाइस व्हाट्सअप पर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टेटस पर जाते हो तो आपको बहुत सारे स्टेटस मिल जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जिस बंदे का आप स्टेटस म्यूट करना चाहते हैं, जैसे ऊपर ही ऊपर एक सतीश टेलर है, इसका स्टेटस म्यूट करना चाहता हूँ तो इस पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक स्टेटस म्यूट का ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ पर आपको म्यूट पे क्लिक कर देना है। अभी स्टेटस म्यूट किया वो कहाँ पर गया और हम कभी भी वो स्टेटस डालेगा तो हमारे पास नहीं आएंगे। कई बार क्या होती है, बहुत सारा पर्सन ऐसे होते हैं जो कुछ भी कुछ स्टेटस डालते रहते हैं लेकिन हम उनका स्टेटस नहीं देखना चाहते हैं तो हम स्टेटस म्यूट कर देते हैं जिससे उनका स्टेटस निश्चित नीचे चला जाएगा। जब भी ये कोई भी स्टेटस डालेगा तो हमारे नहीं आएगा, इसके अलावा हमारा स्टेटस भी ये नहीं देख पाएगा। तो इस तरह से स्टेटस म्यूट करते हैं। वापस इसे अनम्यूट करना है तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना और अनम्यूट कर देना, ये वापस ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से तो हम स्टेटस म्यूट करते हैं और अनम्यूट करते हैं। तो गाइस वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।